झारखंड में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कुणाल सारंगी, जेपी भाई पटेल, चमरा लिंडा, कांग्रेस के विधायक सुखदेव भगत और मनोज यादव, नवजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक भानु प्रताप शाही ने बुधवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सत्यपाल मलिक के नाम का प्रस्ताव रखा है। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर राज्य का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन किया जाना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही सैलरी और दूसरे लाभ दिए जाएंगे। हरियाणा के 5 विधानसभा के 5 पोलिंग बूथों पर फिर से वोटिंग हो रही है। मित्रापुरा गांव के बूथ नंबर 28 पर पोलिंग बहुत धीमी गति से चल रही है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज तिहाड़ में कर्नाटक में कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार से मुलाकात की है। डीके शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। इससे पहले सोनिया गांधी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से तिहाड़ पहुंचकर मुलाकात की थी। आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। चिदम्बरम ने बुधवार को ईडी से जुड़े मामले में यह जमानत याचिका दायर की है। बीते मंगलवार को उन्हें सीबीआई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी। फिलहाल चिदम्बरम 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में तिहाड़ जेल में है। इस मामले में ईडी हिरासत को 1 हफ्ते बढ़ाने की मांग कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील राजीव धवन के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। राजीव धवन राम मंदिर मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। राम मंदिर पर सुनवाई के दौरान उन्होंने नक्शा फाड़ा था। 17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान उन्होंने नक्शा फाड़ा था। गोंडा के जीएम द्वितीय काव्या सिंह की अदालत में यह परिवाद जो है वो दायर की गई है। संजीव प्रताप सिंह ने यह परिवाद दायर किया है। 26 अक्टूबर को जेएम द्वितीय की अदालत में इस पर सुनवाई होनी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी के शीर्ष पर रहने को लेकर प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। कहा है कि वो ट्विटर वाली नेता हैं। अपने भाई के अमेठी लोकसभा सीट हारने के बाद वो वापस चली गई। वो क्या कहती हैं कोई मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो ये कि हम कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। गुना में डीजी होमगार्ड जीएल मीणा ने कहा है कि अपराध नियंत्रण में नंबर 1 पर गोंडा होगा और अपराधियों के मनोबल को हम ध्वस्त करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान प्रमुखता से किया जाएगा। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अपराधियों के निडर और निर्भीक होकर वो मुकाबला करते रहे। वहीं डीजी होमगार्ड ने कहा है कि सुरक्षा को देखते हुए एसपी से चर्चा कर एक्शन प्लान बनाए जाएंगे। कमलेश तिवारी की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश तिवारी पर 15 बार चाकुओं से हमला किया गया था और एक गोली भी मारी गई थी। खास बात यह है कि चाकुओं के सभी 15 वार सिर्फ जबड़े से लेकर छाती के बीच में है, 10 सेंटीमीटर के भीतर ही किया गया है। कमलेश तिवारी के सीने और जबड़े पर चाकुओं से वार किया गया और फिर गला रेत दिया गया। इसके बाद चेहरे पर एक गोली भी मारी गई। सिर के पीछे हिस्से में 32 बोर की गोली फंसी मिली है, यानी कि कमलेश तिवारी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई। कमलेश तिवारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपी को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मोइनुद्दीन और अशफाक को गुजरात राजस्थान बॉर्डर से पकड़ा गया है। पैसा खत्म होने पर दोनों आरोपियों ने परिवार वालों से पैसे के लिए संपर्क किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों की लोकेशन पर पहुंचकर गुजरात एटीएस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। दोनों आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मोइनुद्दीन गुजरात में फूड डिलीवरी का काम करता था जबकि अशफाक एमआर का जॉब करता था। कमलेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा के नेशनल सेक्रेटरी ने यूपी पुलिस और एसएसपी पर तंज कसा है।
अभिजीत मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा है कि कमलेश तिवारी के हत्यारों को पकड़ने के लिए गुजरात एटीएस पुलिस को बहुत बहुत आभार। डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीएम एसएसपी लखनऊ, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। अगर आप दीपावली के पटाखे फोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ऐसा करने पर दीपावली के त्योहार में आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं, साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी आपको चुकाना हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत प्रदूषण फैलाने वालों के लिए 5 से 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है, साथ ही ऐसे शख्स पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। शंकर मार्केट में हुई इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार दोनों बदमाश कई स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल शंकर मार्केट में भारी संख्या में पुलिस टीम जो है वो पहुंच चुकी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के नाम सलीम इस्माइल और साउंड है। सभी फरार बदमाश कार पर सवार थे। बदमाशों के पास से अवैध कट्टे और कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। हाल ही में बदमाशों ने कई वारदात को अंजाम भी दिया था। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली रुक नहीं रही है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करती हुई नजर आ रही है। अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत जोरों से वायरल हो रहा है और ये वीडियो लखनऊ के चिन्हट तिराहा का बताया जा रहा है। घुसखोर ट्रैफिक हवलदार का नाम मोहम्मद इतफाल बताया जा रहा है, जो वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। गांव में मगरमच्छ की सूचना पाते ही सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि काम पर जाते समय एक शख्स ने मगरमच्छ को देखा, जिसके बाद रस्सी के सहारे मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ दिया गया। यूपी के संभल में यात्रियों से भरी रोडवेज बस में आग लग गई। आग लगने के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि पीतल नगरी डिपो की बस की वायरिंग ने आग पकड़ ली थी। बस आगरा से मुरादाबाद जा रही थी। मामला कोतवाली गुन्नौर के कस्बा बबराला का बताया जा रहा है। यूपी के नोएडा में यात्रियों से भरी बस में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद बस से कूदकर यात्रियों ने अपनी जान बचाई। वहीं आग की सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। मामला सेक्टर 49 के बरौला इलाके का बताया जा रहा है। यूपी के बरेली में युवक की मौत को लेकर परिजनों ने शव को प्रयाग दूध फैक्ट्री के गेट पर रखकर फैक्ट्री का घेराव किया है। परिजनों का कहना है कि जब तक फैक्ट्री मालिक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो फैक्ट्री का गेट नहीं खुलने देंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन परिजनों को मनाने में जुटा हुआ है। दूध की फैक्ट्री की गाड़ी पर अतेंद्र क्लीनर गाड़ी पर लेकर उसे उधम सिंह नगर जा रहा था, तभी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गाड़ी जो है पेड़ में जा घुसी, जिससे कि क्लीनर की मौके पर मौत हो गई। उत्तराखंड के देहरादून में रोडवेज की 2 बसों में जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है। घायलों को यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने मिलकर 108 की मदद से देहरादून अस्पताल में भर्ती करवाया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और एक बस टक्कर के बाद खाई में जा पलटी। उत्तराखंड के चमोली में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार कर्णप्रयाग से कुजासू जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में खाद्य विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से कई दुकानों पर छापेमारी कार्रवाई की है, जहां से मिठाइयों का सैंपल लिया गया है। त्योहार पर मिलावटी मिठाई लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए खाद्य विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। ये छापेमारी दिवाली तक जारी रहेगी। यूपी के गोंडा पीएससी लाइन में डीआईजी राकेश सिंह के नेतृत्व में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के जरिए 5 दिवसीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही नो प्लास्टिक की मुहिम भी चलाई गई। इस कार्यक्रम में देवी पाटन मंडल जोन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां बड़ी संख्या में पुलिस, पीएससी और जनता ने योग के भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग
सूर्य नमस्कार करके मन और शरीर को स्वस्थ रखने की क्रियाएं भी सीखी। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी जाकिर मूसा के ग्रुप का खात्मा हो गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि त्राल में मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान कर ली गई है। ये आतंकी इलाके में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। इन आतंकियों से एक से AK-47 सहित कई हथियार भी बरामद हुए हैं। डीजीपी ने कहा है कि इस ग्रुप के खात्मे के बाद इलाके से आतंक जो है वो खत्म हो गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि कल सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकी संगठन अंसार गजावतुल हिंद के थे। एनकाउंटर में नवीद जुनैद और हामिद ललहारी नाम के आतंकी जो है वो मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकी संगठन अंसार गजावतुल हिंद जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर काम कर रहा था। दिलबाग सिंह ने कहा कि मुठभेड़ में ढेर हुआ हामिद ललहारी साल 2016 से सक्रिय था। जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद उसने इस संगठन में कमान संभाल ली थी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि घाटी में आतंकी नौजवानों को बरगला रहे हैं। इन तीनों के मारे जाने से जनता सुकून से रहेगी। उन्होंने घाटी में बहके युवकों से कहा है कि हथियार उठाने से सिर्फ मौत मिलती है, अगर कोई भी हथियार उठाएगा तो सुरक्षा बल उसे छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि त्राल में सुरक्षा बल ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया था। सुरक्षा बलों को बिजबेहरा क्षेत्र के पजलपोरा गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की विशेष सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की और कार्रवाई में ये तीनों आतंकी जो हैं वो मारे गए। तेल कंपनियां दीपावली के हफ्ते में अपने ग्राहकों को तोहफा दे रही हैं। आज बुधवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि कल जिस भाव से तेल बिक रहा था आज भी उसी भाव से बिक रहा है। वहीं तेल और पेट्रोल और डीजल के दामों में कल के मुकाबले आज स्थिर है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह करीब 9:15 बजे 100 अंकों की गिरावट के साथ 39,063.84 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 7.85 अंकों की कमजोरी के साथ 11,596.20 पर खुला। हालांकि शेयर बाजार में करीब एक घंटे के कारोबार के बाद रिकवरी नजर आई और शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस का संकट बढ़ता ही जा रहा है। पहले से ही अनैतिक व्यवहार के आरोप झेल रही इंफोसिस के निवेशक कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। इस बीच इंफोसिस के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शुरुआती कारोबार में इंफोसिस के शेयर करीब 2% लुढ़क गए। इससे पहले भी मंगलवार को इंफोसिस के शेयर में करीब 17% की गिरावट दर्ज की गई थी। दीपावली से पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने सेविंग बैंक डिपॉजिट की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। बचत खाते में 1,00,000 रुपए तक जमा रखने वालों के लिए बैंक ने ब्याज दर 3.50% से घटाकर 3.25% कर दी है। साथ ही बैंक ने 1 से 2 साल की अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट पर और बल्क टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में भी कमी की है। नई दरें जो है 1 नवंबर से लागू हो जाएंगी। ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को 60 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। बोनस का लाभ ईपीएफओ के सभी ग्रुप सी और ग्रुप बी कर्मचारियों को साल 2018-2019 के लिए मिलेंगे। बोनस की राशि जोनल ऑफिसर की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर तय की गई है। बोनस के लिए तमाम जो नियम है वो वित्त मंत्रालय के टर्म एंड कंडीशन के अनुरूप ही होंगे। बोनस की राशि निकालने का सामान्य सा एक फॉर्मूला है। बेंटली इंपीरियल 400 भारतीय बाजार में 22 अक्टूबर को लॉन्च हो गई है। ये भारत में बेंटली की पहली रेट्रो स्टाइल और सबसे कम दाम वाली बाइक है। बाइक जिस सेगमेंट में लॉन्च की गई है उसमें रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का दबदबा है। मार्केट में बेंटली इंपीरियल 400 की सीधी टक्कर क्लासिक 350 और जावा की बाइक से होगी। पाकिस्तान के हिस्से वाले बलूचिस्तान से पाकिस्तानी पुलिस की बेहद शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली है। यहां कुछ पुलिस वाले मिलकर एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। वही युवक पुलिस वालों से हाथापाई करता भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में
राजनीतिक दलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज में 2 नागरिकों की मौत बताई जा रही है जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीओके में हुई इस रैली का आयोजन स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों के संगठन ऑल इंडिपेंडेंट पार्टीज अलायंस ने किया था। इस रैली का मकसद पीओके के लोगों को आजादी दिलाने की मांग करना था। कनाडा में 21 अक्टूबर को हुए आम चुनाव के नतीजे आ गए हैं और मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर सत्ता पर विराजमान होने के करीब हैं। नतीजों के मुताबिक वो बहुमत के करीब यानी कि अल्पमत सरकार बना सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को बहुमत के आंकड़े के लिए 13 सीटों की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया में अखबारों ने देश में मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिशों का विरोध करने के लिए अखबारों का पहला पन्ना काला छापा गया। अखबारों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार का सख्त कानून उन्हें लोगों तक जानकारियां ला पाने से रोक रहा है। अखबार ने पन्ने काले रखने इस साल जून में ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े मीडिया समूह ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुख्यालय और एक पत्रकार के घर पर छापे मारने की घटना को लेकर जारी विरोध के तहत उठाया है। ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर करने वाली ब्रेग्जिट डील को पक्का करने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रिटेन की संसद में मंगलवार को एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसके मुताबिक यूरोपियन यूनियन से होने वाले ब्रेग्जिट समझौता अब कानून बन सकता है। हालांकि इसमें एक दिक्कत यह है कि अगले 3 दिनों के भीतर हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको लेकर सहमति बनानी होगी। चिली में मेट्रो किराया बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हुए दंगों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिणी शहर तालकाहुनानो में नौसेना की एक ट्रक के नीचे आकर 22 साल के एक शख्स की मौत हो गई। बाद में स्थिति जो है वो काफी गंभीर वहां पर हो गई। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोग जबरन मेट्रो स्टेशन के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की। भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली आज बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए गांगुली का नाम जो है वो चयन हो चुका है, फाइनल बताया जा रहा है। जबकि गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव होंगे और उत्तराखंड के महिम वर्मा बीसीसीआई के नए उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं। आज से गांगुली बीसीसीआई टीम के साथ अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करने वाले। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने सौरव गांगुली को शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें बीसीसीआई के लिए एक एसेट बताया है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि जो भी पुराने लोग हैं वो सौरव की मदद करेंगे। साउथ अफ्रीका को 3-0 से धूल चटाने के बाद पूरी टीम के हौसले बुलंद हैं। मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया था जो अब काफी वायरल हो रहा है। इस बयान में वो कह रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ एक था कि सामने वाले के 20 विकेट निकालो। भाड़ में गया पिच, सिर्फ 20 विकेट से मतलब है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने कहा है कि राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों की अभूतपूर्व हड़ताल के पीछे कोई साजिश नजर आ रही है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भारत दौरा अपने टाइम से ही होगा। हसन ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि भारत का दौरा होगा। मेरा मानना है कि ज्यादातर खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो 5000 टके के लिए देश का नाम खराब करेंगे। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसी का बयान सामने आया है। डुप्लेसी ने टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की कमी के बारे में बात की है। हमारे पास टेस्ट टीम में पहले काफी अनुभवी खिलाड़ी थे, वो खिलाड़ी जिन्होंने 30-40 टेस्ट मैच खेले थे और अब आप इस टीम में देखो तो इनमें से ज्यादातर ने 5, 6, 7 या 10 टेस्ट क्रिकेट ही खेले हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं टीम को दोबारा से बनाने की कोशिश करूं। फुटबॉलर रोनाल्डो ने अपने करियर से जुड़ा एक बयान दिया है। रोनाल्डो को लेकर अफवाहें थी कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं लेकिन रोनाल्डो ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि अभी उनका संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं। बॉलीवुड के नामी कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। उन पर 5 करोड़ लेकर
और फिर वापस नहीं देने का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने अमर मस्त डाई नाम की फिल्म बनाने के लिए राजनगर के रहने वाले सत्येंद्र त्यागी से साल 2016 में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिए थे और वादा किया था कि उन्हें 5 करोड़ लगाने पर 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। पीड़ित सत्येंद्र का कहना है कि आलम यह है कि न तो उन्हें 5 करोड़ मिले और न 10 करोड़। बिग बॉस सीजन 13 का चौथा हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है। इसी के साथ कंटेस्टेंट के बीच पहले फिनाले में जाने की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ गेम मुश्किल होता जा रहा है और कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। एपिसोड में बिग बॉस का 3रा नॉमिनेशन टास्क हुआ। बिग बॉस के 3rd नॉमिनेशन में असीम रियाज और आरती सिंह सुरक्षित हो गए हैं। इसी के साथ घर के बाकी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गए हैं। इनमें सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, माहिरा, शहनाज गिल, शेफाली बग्गा, देवोलीना और सिद्धार्थ डे पारस भी शामिल हैं। दीपिका पादुकोण ने जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2019 में शिरकत की। इवेंट में दीपिका बेबी पिंक और ब्लैक बॉल गाउन में बेहद ही स्टनिंग लुक में नजर आई। दीपिका के इस प्रिंसेस लुक पर फैंस ने कई फनी मीम्स भी बनाए। इन्हीं में से एक बेहद क्रिएटिव मीम दीपिका ने अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर भी की। एक्टर रणबीर कपूर भले ही सोशल मीडिया पर ना हो लेकिन वो अक्सर अपनी तस्वीरों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उनकी ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है। लंदन में मौजूद रणवीर अपनी एक फैन के साथ तस्वीर लेते हुए देखे जा सकते हैं। रणवीर कपूर की ये सेल्फी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। मलाइका अरोड़ा ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। उन्होंने बर्थडे पार्टी एंजॉय की है। इस बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने शिरकत की। पार्टी की इनसाइड फोटोज और वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। बर्थडे पार्टी के लिए मलाइका ने शॉर्ट बैकलेस ड्रेस को चुना। ड्रेस पर मिरर वर्क हुआ था। ओपन हेयर और मिनिमल मेकअप में मलाइका जो है वो काफी खूबसूरत नजर आई। कपिल शर्मा के शो में लंबे वक्त तक उनकी पत्नी का किरदार कर चुकी एक्ट्रेस सुमोना इंदिरो अपनी फिजिक पर काम कर रही है। सुमोना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो जिम में वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, मेरे तरह के मंडे ब्लूज। 1 घंटे से जबरदस्त वर्कआउट के बाद पैरों की कसरत, स्ट्रेचिंग और स्लिप मिलाकर एक रेड स्प्रिंग। सुमोना के इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर मिला है।